अपवर पे पोर्टफोलियो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आता है तो सबसे पहले आपकी वो प्रोफाइल चेक करता है और पोर्टफोलियो चेक करता है और अगर क्लाइंट को आपका पोर्टफोलियो पसंद आ जाए तो क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप लाजमी पोर्टफोलियो ऐड किया करें अपवर पे और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने पोर्टफोलियो ऐड करना है अपनी अपवर की प्रोफाइल पे और लाइव आपको ऐड भी करके दिखाऊंगा पोर्टफोलियो अभी लैपटॉप स्क्रीन पे तो अपवर का अकाउंट मैंने लॉग इन कर लिया है सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है और आपकी प्रोफाइल का जो भी नाम होगा उस पर इधर से क्लिक करके प्रोफाइल पे आ जाना है प्रोफाइल पे आने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इधर आपको ऑप्शन नज़र आएगी पोर्टफोलियो की और इधर प्लस का भी साइन आ रहा होगा ये सारे पोर्टफोलियो इमेजेस मैंने ऐड किए आपने पहले इस प्लस पे क्लिक करना है और इधर आपसे ये प्रोजेक्ट का टाइटल पूछेगा मैं इधर लिख देता हूं फ्लायर फ्लायर डिजाइन फॉर रियल इस्टेट कंपनी ये प्रोजेक्ट का मैंने टाइटल लिख दिया है आप ज्यादा स्पेसिफिक भी टाइटल लिख सकते हैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि टाइटल आपने इधर लिखना है और इधर आपने डेट सेलेक्ट करनी है जब आपने कंप्लीट किया था प्रोजेक्ट इधर लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीशन डेट तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद गो टू तो सेलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है इधर आपके पास तीन टेम्पलेट आ रहे हैं पहला टेम्पलेट है गैलरी की फॉर्म में इसमें डिस्प्ले इमेज और वीडियोस वन एट अ टाइम मतलब एक टाइम पे एक इमेज या फिर वीडियो शो हो रही होती है इस फॉर्मेट में सेकेंड टैम्पलेट है केस स्टडी इसमें कहता है कि हाईलाइट द प्रोजेक्ट प्रॉब्लम एंड योर सोलूशन इसमें आपने प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम बयान करना होता है और उसके सोल्यूशन के बारे में बताना होता है कि कैसे आपने सॉल्व किया वो प्रॉब्लम थर्ड टैम्पलेट है क्लासिक इसमें अलाउ क्लाइंट्स टू स्क्रॉल थ्रू योर वर्क इसमें क्लाइंट स्क्रॉल करता जाएगा और आपका पोर्टफोलियो देखता जाएगा आप कोई भी टैंपलेट सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी सर्विस के हिसाब से आपको सूट करता है मैं ये गैलरी को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद गो टू एड डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ इधर मुझे कह रहा है कि इमेज अपलोड करें या फिर वीडियो अपलोड कर सकते हैं आप और इमेज अगर होगा तो वो जे हो सकता है गिफ हो सकता है पी हो सकता है और मैक्सिमम साइज़ जो है वो टेन एम होना चाहिए इमेज का टेन एम से कम के साइज का इमेज आपने इधर अपलोड करना है इमेज या फिर इमेजेस उसके बाद वीडियोस भी आप अपलोड कर सकते हैं और ये फॉर्मेट्स हैं एम पी फोर एम ओ वी डब्ल्यू ई बी एम और ये फॉर्मेट्स आप अपलोड कर सकते हैं वीडियोस के भी वीडियोस भी काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं क्लाइंट को ज़्यादा अच्छे से आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चलता है और सिक्सटी सेकेंड से कम की वीडियोस होनी चाहिए उसके अलावा ऑडियो भी आप अपलोड कर सकते हैं और अप टू टेन एम और उसके बाद डॉक्यूमेंट में पी भी आप अपलोड कर सकते हैं मैं इधर से ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और एक इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ जो मैंने रियल एस्टेट कंपनी के लिए फ्लायर बनाया था ये इस पर मैं क्लिक करता हूँ ओपन पे क्लिक कर देता हूँ ये देखिए अपलोड हो रहा है आप ज़्यादा इमेज़ भी अपलोड कर सकते हैं ज़्यादा वीडियोज़ भी अपलोड कर सकते हैं और ऑडियो डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं मैं सिर्फ एक इमेज अपलोड कर रहा हूँ आप काफ़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं उसके बाद ये अपलोड हो रहा है तो हम नीचे आते हैं स्किल स्किल्स एंड डिलेवरेबल्स मतलब जो भी स्किल्स इसमें यूज़ हुए हैं वो आपने इधर से सिलेक्ट करने हैं इसमें एडवरटाइजमेंट वाला स्किल यूज़ हुआ है और फ्लाई डिज़ाइन का यूज़ हुआ है इसके अलावा जो जो भी स्किल्स प्रोजेक्ट में यूज़ हुए होंगे वो आपने इधर से सेलेक्ट कर देने है. ये देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और ये इधर आते जा रहे ग्राफिक डिजाइन कर लेते हैं उसके बाद ये देखिए अपलोड हो गया है। और ये स्किल्स भी हमने इधर कर दी है। भी आप कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें और उसके बाद प्रोजेक्ट का यूआरएल भी आप ऐड कर सकते हैं सपोज अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है किसी क्लाइंट के लिए तो आप इधर यूआरएल ऐड करेंगे और इधर जो है स्क्रीन शॉट्स एड करेंगे वेबसाइट के जो आपने बनाई होगी तो ये ऑप्शनल होता है उसके बाद प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन है वो आप अपनी मर्जी से लिखेंगे जो भी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगी मैं इधर लिख देता हूं फ्लाइट डिजाइन फॉर रियल इस्टेट कंपनी दिस कंपनी मेक्स अपार्टमेंट्स अपार्टमेंट्स लिखना था एंड सेल देम तो ये मैंने एक लाइन में लिखी है आप इसको डिटेल्ड भी लिख सकते हैं और जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसकी आपने इधर डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसके बाद आप गो टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और ये आपको इधर से दिखाएगा कि ये ये चीजें आपने लिखी हैं और ये फ़ाइनलाइज़ अगर आप करना चाहते हैं तो पब्लिश पे क्लिक करें और इधर से अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं तो मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो इधर से हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये देखें ये हमारा जो फ़्लायर है वो ऐड हो गया है हमारे पोर्टफोलियो इमेजेस में इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये ऐड हो गया है हमारा पोर्टफोलियो इमेज image। बाकी इमेजेस भी मैंने ऐसे ही ऐड किए हैं और आप भी अपना पोर्टफोलियो इस तरह ऐड कर सकते हैं और ये सीने वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें मैं इसी तरह ही अपवर्क फाइबर और ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस बनाता रहूंगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू